भारत माता की जय। अभी हमने कहा था कि आप लोगों की गाना है और कितने लोग गाए सच बताना, कितने लोग गाए? कुछ लोग गाए, कुछ लोग ताली बजा रहे थे, कुछ लोग खाली सोच रहे थे करना क्या। गाना भी जरूरी है, अच्छा लगता है। कितने लोग गाते हैं, गाना गाते हैं कोई? कितने लोग गाते हैं? गाया तो गाते हैं या तो नहीं गाते? नहीं गाते हैं? गाते हैं, अभी भी समझ नहीं आ रहा। गाते हैं तो हाँ बोलो। आइए हम लोग बिना इसके गाएंगे ताकि पता चले कि आप लोग गा रहे हैं नहीं गा रहे, ठीक है? जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे ना बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ करना है तो मन के मारे मत बैठो। कहानी प्रेरणा देती है नियमितता, निरंतरता, चलना है तो रुकना नहीं है ना, निरंतरता। तेज दौड़ने वाला खरहा देखो थक कर हार गया। तेज दौड़ने वाला खरहा देखो थक कर हार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। धीरे धीरे चलकर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर समुद्र किनारे मत बैठो। चलो कदम से कदम मिलाकर समुद्र किनारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। कभी स्कूल में बोलते आज मेरा मन नहीं कर रहा, ऐसा होगा? धरती बोले आज मैं थक गई अब नहीं घूमती तो क्या होगा? तो फिर हम लोग धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है। धरती चलती, तारे चलते, चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटते सूरज रोज निकलता है। किरणों का उपहार बांटते सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखरे तुमने प्यारे मत बैठो। हवा चले तो महक बिखरे तुमने
बोलिए युगाधिपति महाकाल की जय। तीन भागी आइए कमर से दिक्कत है कैसे मंत्र एक साथ एक बार ओ सभी उपस्थित हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे उपस्थित की बात आते हैं हम सभी अभी आदरणीय भाई साहब ने बात करी पीएन में बनो ये स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत महत्वपूर्ण आत्मनिर्माण और उसके साथ साथ राष्ट्र निर्माण तो आत्मनिर्माण के क्या सूत्र हो उस पर हम लोगों को थोड़ी विचार करना चाहिए फिर बाद में राष्ट्र निर्माण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं इसको भी बात हम सभी परमात्मा की एक सुंदर संतान के रूप में ईश्वर ने हम सबको इस धरती पर अपने राजकुमार बना करके भेजा ऐसा सब मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि नहीं हम लोग जो है भगवान के राजकुमार ईश्वर के राजकुमार और हम लोगों की हालत कैसी होगी तो हृदय की बहुत अच्छा एक उदाहरण लिखते हैं एक बार एक राजा था और उस राजा के का एक बहुत अच्छा काम था वो रोज सवेरे अपने दरवाजे के बाहर बैठ करके और लोगों को पैसे बांटता तो जो भी जिसको जरूरत होती थी वो उससे ले जाते तो बड़ा नाम था उस राजा का भाई सवेरे जो भी जरूरतमंद लोगों को उस राजा के पास जाते और जो उनकी जरूरत होती थी मांग लेते राजा उनसे भी लेकर राजा का एक बेटा उस बेटे के मित्रों के साथ मिलकर के फ्रेंड्स ने सबने प्लान बनाया कि हम लोग किसी दूसरे राज्य में घूमने जाएंगे कहीं घूमने बढ़िया कोई आनंद लेने के लिए बहुत ही अलग अलग चीजों के लिए जाने के लिए उन्होंने योजना बनाई योजना बनाने के उनके साथ उनके मन में यह आया कि पैसे कहाँ से पैसे चाहिए तो राजा का बेटा तो ज्यादा कुछ सोच नहीं पाया उसके मित्रों ने कहा कि कल हमारे पिताजी तो रोज पैसे बांटते तो हम लोग कल सवेरे वहां चले चलते और वहां से पैसे मांग लेंगे और हमारे पास हमारे उपयोग पर पैसे हम लोग ले लेंगे और अगला दिन हुआ और सारे जाकर के वहां लाइन में लगे और जब राजा के बेटे का नंबर आया तो जैसे ही वो सामने आया तो राजा बहुत नाराज उससे डॉक्टर के अंदर चला गया टीचर भी थे वो बेटा भी चला गया इतने लोगों को आप दे रहे थे तब कोई दिक्कत नहीं और मैं आपके सामने मांगने आ गया तो आपको आपको गुस्सा आ गया आपको क्रोध आने की क्या जरूरत पड़ी आप मुझे भी तो दे सकते थे जब इतने लोगों को आप दे रहे तो उस राजा ने कहा कि बेटा मैं इसी बात से तो दुखी हूं कि मुझे खुशी तब होती जब तू मेरे बगल में बैठ के तू भी बांट रहा होता खुशी मुझे तब होती जब मेरे साथ बैठ करके तू बांट रहा होता तो मेरे सामने हाथ पसार करके खड़ा तो मेरे सामने जो है लेने के लिए खड़ा तो वो राजा के लड़के को रिग्लाइज होता है कि हाँ हम लोगों से झूठ बोल रहे हम तो राजा है हम तो राजकुमार हमको मांगने की नहीं हमको देने वाले लोग गुरुदेव कहते हैं कि यही हाल मनुष्य का और उसके परमात्मा का मतलब उसके पिता का कि जब वो रोज उसके सामने जाता है खड़ा होता है तो उसको लगता है कि इसको तो ये तो मेरा संपत्ति का राधिकारी है ये तो मेरा राजकुमार है और उससे मांगने के लिए आया इसलिए शांतिपुर यदि आप में से कई लोग गए होंगे कितने लोग गए शांतिपुर जरिए कौन सा जन्म
कार्यकर्ता तो गए हैं वहां पे गायत्री माता के मंदिर के साथ एक मंदिर और है, उस मंदिर का नाम है भटके हुए देवता का मंदिर। तो आप उस शीशे में जब उसको देखते हैं कभी आपको बाजार में दूसरा मिला कि आप चल रहे हो सामने से वैसा ही दूसरा आके खड़ा हो जाए जैसा फिल्मों में होता है? कभी हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ईश्वर ने आपको सबसे अनूठा बनाया है ना, सबसे अलग, सबसे अलग। तो हम क्या करते हैं? ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया और आपने क्या किया? आप कोशिश में लगे कि आप कैसे विराट कोहली बन जाए, या आप कोशिश में लगे आप कैसे हनी सिंह बन जाए, या आप लोग कई ऐसे होंगे ना लगे ना लोग कोशिश, सबके चेहरे एक जैसे होते जा रहे, सारे कोशिश कर रहे हैं कि हम सारे वैसे कैसे बन जाए। प्रैक्टिस से यदि आप उसकी आदतों से उसके खेल से बनते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बात एक कॉपी करने को लेकर। तो हम दूसरों को कॉपी करते। एक बार एक मेंढकी बाजार जा रही थी, मेंढकी को मुझे किसी ने बता रहे था उड़िया में क्या बोलते हैं, हाँ तो बेंगो तो बेटा हो गया और बेंगी बेंगुली। तो बेंगुली जो है बेंगुली ठीक है, बेंगुली धीरे धीरे सीखेंगे मुंह उड़िया बोले जा रही ना। ठीक है, थोड़ा तो आया। तो उसमें वो बेंगुली जो है बाजार जा रही थी, तो जा सकती है कोई दिक्कत। बाजार तो उसने देखा कि घोड़ों के पैर में नाल ठोकी जा रही है, नाल समझते आरंभिक पैर में लगा रहे हैं। तो मेंढकी ने पूछा वो बेंगुली ने कि ये क्या हो रहा है? उसको बताया गया कि ये भाई उनके पैर के लिए उसके लिए अच्छा वो शूज जैसे काम करता। तो उसने कहा मेरा भी साइज ले लो। तो लोगों ने समझाया नहीं तुम्हारे काम का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है भाई। उसने कहा क्या बात कर रहे हो, ये घोड़े से ज्यादा सेल नहीं है मेरे पापा की, ये तो लोहे की बनवा रहा है। हाँ अब आज के समय में किसी को ज्ञान देना बहुत कठिन काम है ना, सही है ना? तो उसको भी लोगों ने ज्यादा ज्ञान दिया नहीं, बस उसके नाप की बनाई और उसके पैर में लगा दिया। जैसी पहली कील लगी और मेंढकी ने चिल्लाना शुरू किया बचाओ बचाओ। तो वो तो बाकी उसको लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि लोग सोच रहे थे कि अब तो इसको जो है सही मजा से खाना पूरे पैर में। लोगों ने नाल लगा दी और बेचारी उसके इतना खून बहा रोड घायल हो गई और चिल्ला चिल्ला करके मर गई। ये कहानी हमको ये प्रेरणा देती है कि जब हम कुछ जाने समझे बिना दूसरे की नकल करते हैं तो अपनी ओरिजिनैलिटी को मार डालते हैं। तो गुरुजनों ने बहुत अच्छा वाक्य लिखा है, अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण प्राणी। आप अपने लिए ये बात हमेशा सोचो कि आप सबसे अनूठे हो, सबसे अलग हो, ईश्वर ने आपको सबसे अच्छा बनाया और वो अच्छे को बढ़ाते जाओगे तो लोग आपके मूल्य को समझेंगे। तो ये अच्छा बनने की प्रक्रिया ही वो बी वाली प्रक्रिया आत्मनिर्भर। और ये अच्छा जो बनने की बात है ये ठीक वैसा ही है हमारे व्यक्तित्व में जैसा कि सोने पर टैग लगना है। गोल्ड समझते हैं है ना, जब वो धरती से निकलता है तो किस फॉर्म में निकलता है? एकदम लेमन वर्ड कहूं तो पत्थर, मिट्टी पत्थर। अब आपको मैं कोई पत्थर दूं कि इसमें 10 ग्राम गोल्ड है, आप लोगे नहीं लोगे ना?
मान लो आप बहुत विश्वास कर भी लो तो आप उस पत्थर का कुछ बना पाओगे? नहीं। और यदि वही गोल्ड यदि किसी रिफाइनरी में जाए तो पहले वो देखेंगे कि ये गोल्ड है कि नहीं, है तो इसमें कितने तरह की इंप्यूरिटीज हैं, कुछ धोने से जाएगी, कुछ जलाने से जाएगी, कुछ छानने से जाएगी। और जब एक बार उसमें से सारी कमियों को वो डिफाइन कर लेते हैं, मतलब साफ कर लिए, तो उस पर टैग लगा लेते हैं कि 24 कैरेट गोल्ड। अब यदि मैं आपको उसका उन्हें एक पिक बना दे, कॉइन बना दे और उस पर लिखते हैं कि 24 कैरेट है, एक टैग लग गया, अब आपको देंगे तो आप ले लोगे? बहुत आराम से। और मान लीजिए ली थी, अब आप लेके करोगे क्या? तो आपने किसी ने कहा कि मैं उसकी चेन बनवा लूंगा, बताओ उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। आपने कहा नहीं मैं उसकी बैंगल बनवा लूंगी, तो वो 10 ग्राम की कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा नहीं मैं उसको ऐसे ही रखूंगा अपने पास, तो क्या उसकी कॉस्ट घट जाएगी? नहीं घटेगी, जो कॉस्ट है वो बनी रहेगी। बस ये वो अच्छा बनने की प्रक्रिया में ये वही वाली टैग थी। जब एक बार जैसे सोने पे टैग लग गया 24 कैरेट है, तो जो उसकी वैल्यू है चाहे उसको आप किस भी फील्ड में डेवलप कर लो, उसकी कीमत घटने वाली नहीं। वैसे ही आप अपने अंदर के उस मनुष्य के उस अच्छे गुणों को आप विकसित कर लो, मूल्यों को विकसित कर लो, और आपके ऊपर टैग लग जाए कि एक अच्छे इंसान है, तो फिर आप कुछ भी बनो। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छे डॉक्टर बन गए, टैग लगा लो। इंजीनियर बनना चाहता है, अच्छे इंजीनियर। टीचर बनना चाहते हैं, अच्छे टीचर बनेंगे। आप किसी एडमिन में जाना चाहते हैं, अच्छे अधिकारी बनेंगे। पॉलिटिक्स में जा रहे हैं, अच्छे पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन बनेंगे। जिस भी फील्ड में जा रहे हैं, अच्छा वो टैग आपके ऊपर लगा होगा, किसी की कंप्लेन पूरी दुनिया में है ना, क्योंकि वही टैग जो है उसका रिफाइनमेंट वाला प्रोसेस हो ही नहीं रहा, सीधे डेवलपमेंट वाला हो रहा है। उस पत्थर से लोग चेन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? तो और ये तो बाद का है, उससे पहले वाला, एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बहन, एक अच्छा पति, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छे जो है पेरेंट्स, माता पिता, ये सब की तो खोज है, ये भी उसी से बनता है। तो ये हमारे लिए बड़ी आवश्यकता है कि हमको अपने अंदर के गुणों को बढ़ा करके और एक अच्छा बनने की प्रक्रिया में आना है। इसी का नाम है परिष्कार, अपने आप का परिष्कार, अपने अंदर का जो ओरिजिनल है उसको वैसे ही सामने लाना और उसको अच्छा करना, ठीक है? तो इसके लिए क्या करें, क्या किया जा सकता है? बाहर लोग तो दूसरे तरीके की बात करते हैं, पूरी दुनिया में अपनी पर्सनालिटी के लिए, अपने उसके लिए क्या बताते हैं कि आपका कपड़ा कितना अच्छा है, आपका जूता आपके बेल्ट से मैच कर रहा है कि नहीं, आपका आपका जो है टाई आपके शर्ट से कंट्रास्ट कर रही है कि नहीं, आपके चेहरे पे आपकी घड़ी कितनी महंगी है, लोग बता रहे हैं कि उस सेक्टर ने ऐसा पहना, उसने ये पहना, और फिर बाद में ये सब कुछ तो करिए और फिर चेहरे पे एयर होस्टेस स्माइल, अंदर से आप गाली दीजिए और बाहर से बोलिए गुड मॉर्निंग, दिखाइए आप कितने अच्छे, अच्छा आप सामने से दिखाते रहिए, बाकी अंदर से आप कैसे भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? एक बार एक आदमी को कहीं काम नहीं मिला, उसको कहीं नौकरी नहीं मिली, भटकते भटकते वो एक जू में चला, जू में आया तो मैनेजर से रिक्वेस्ट की मुझे कोई काम है। मैनेजर ने कहा हमारे पास सफिशिएंट जॉब, हम ज्यादा काम नहीं दे सकते, हमारे पास जानवर को खिलाने वाले लोग हैं, टिकट बेचने वाले लोग हैं, सब अब हम आपको नहीं दे सकते। बेचारे ने बहुत हाथ पैर जोड़े, मैनेजर ने कहा चलो तुम्हारे लिए एक जॉब क्रिएट कर देते हैं, क्या तुमको एक शेर की नौकरी देंगे, हम तुमको एक शेर की खाल देंगे, उस खाल को पहन के शेर के पिंजरे में रहना, टूरिस्ट आएंगे तुमको देखेंगे, बढ़िया घूमना दहाड़ना, मेरा जॉब प्रोफाइल तो बहुत बढ़िया, शेर की नौकरी, बस उसने खाल वाल पहनी उसको ले जाकर भी
देखा है, बढ़िया बड़ा पाव होता है, उसमें पॉन्ड वगैरह होता है, सब मजे से थोड़ी देर तो घूमा एकदम मकान में, शेर की नौकरी। थोड़ी देर के बाद वो उसमें देखा होगा तो उसमें शेर के लिए थोड़ा इंडोर भी बना रहता है कि जैसा बना रहा, उसके अंदर गया, उसने कहा सर क्वार्टर भी मिला हुआ। अंदर गया, अंदर गया तो उसने देखा एक शेर और सो रहा। अब बेचारा जो है बड़ा दुखी हो गया, उसने कहा कि नौकरी नहीं देनी थी तो भले लोग मुझे धक्के मार के बाहर भेज देते, शेर के सामने कौन डाल। अब तो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता, जो भी करेगा वो कौन करेगा, चिल्ला भी नहीं सकता। तो मान लो जोर से चिल्ला देगा तो जो आधे घंटे की जिंदगी है वो भी चली जाएगी, जब तक सो रहा है तब तक काम कर लो। बेचारा बाहर निकला है, पेड़ के किनारे जाकर के बैठा हुआ है और एक कंडीशन में, उस कंडीशन का नाम ज्यादातर हमारे युवाओं में दिखाई देता है, उसका नाम है स्ट्रेस है ना। उस स्ट्रेस में देखो, स्ट्रेस का रीजन पता चला एक कारण, अब उस स्ट्रेस में बेचारा पड़ा हुआ है। तब तक वो अंदर वाला जाकर और उसको पता चल गया है कोई है, तो रोड के बाहर आया, बाहर आया तो उसने देखा शेर, तो वो तो खुश हो गया बेचारा कि अब तक अकेले जी रहे थे, अब एक से भले दो। तो वो तो बेचारा बड़े प्रेम से उसने उसकी तरफ देखा, उसको क्या पता शेर प्रेम से कैसे देखता है, वो तो उसका स्ट्रेस हाइपर स्ट्रेस हो गया, कांपने लगा वो बेचारा, उसके पसीने निकलने लगे और वो शेर इसके बगल में आके बैठ गया, इसको जो जो नहीं होना था सब हो गया था। और वो शेर उसके बगल में आकर के जैसे ही बैठा तो था तो बेचारा इंसान ही ना, कितना मैनेज करता अपने स्ट्रेस को, तो उसने जोर से आवाज लगाई बचाओ। और जैसे ही उसने कहा बचाओ तो बाजू वाले शेर ने कहा मेरी भी नौकरी खाएगा क्या। समझ में आई बात, समझ में आ गई, उसको कल आएगी। क्या हुआ, वो भी वैसे ही खा, सही है ना। आजकल हर आदमी ने खाल ओढ़ रखी है, मैं उसकी बात कर रहा था। आपके पास क्या, बाहर से दिखाइए आप कितने अच्छे हैं, ठीक है, और उसको मैनेज करने के लिए फिर आप स्ट्रेस के लिए सही दे दे। क्यों तो उस खाल को उतार करके फेंकना, ये है आर्ट ऑफ डीलिंग। आप पहले सबसे पहली बात तो शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप से पूछो मैं कौन हूं, कभी पूछा, पूछोगे तो क्या उत्तर मिलेगा, मैं कौन, क्या उत्तर आएगा, मतलब क्या आपके अंदर से आएगा, ये तो नहीं सोच रहे हो चीजा बोलेगा, क्या अंदर से सोचा है कभी आपने, पूछोगे तो क्या मिलेगा। तो बस इस बात को पूछना कि मैं कौन, तो इसमें से तीन चीजें निकल के आएगी, एक तो वो जो दिखाई दे रहा है, जो खाना खाता है, कपड़े पहनता है, घर में रहता है, सारे काम करता है, वही है, उसका नाम भी है, उसका परिवार है, ठीक है। तो ये वो जो आपके सामने वो व्यक्ति दिखाई दे रहा है फिजिकल बॉडी के रूप में, एक तो इसको कहते हैं स्थूल शरीर, क्या कहते हैं, स्थूल शरीर, ठीक है। इसके लिए जरूरत क्या है कि इसको स्वस्थ रखना है, इसका आहार विहार है, इस पर बात करेंगे। फिर सेकेंड आता कि आप मान लीजिए स्थूल शरीर है तो आपका इतने से काम चलता है, नहीं, मनुष्य पशु से अलग केवल इसलिए है कि वो शरीर से और बाहर निकल के चलता है, मतलब वो सोचता भी है, विचार करता है, विचार करता है, संबंधों में रहता है। कभी ऐसा होता है कि गाय खाना 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 अपना काम करती है, कहती है कि आज मेरे मौसी के लड़के की शादी है, वहां जाना,
संबंधों के साथ या दोस्त मित्र उनके नहीं होते है ना, आप क्या होते हैं, आपको आप रिलेशन ढूंढते हैं, आप क्वालिटी ढूंढते हैं, खाना चाहिए मगर थोड़ा अच्छा चाहिए, कपड़ा अपनी पसंद का चाहिए है ना, सोच रहे हैं और रिएक्ट करते हैं, याद रखते हैं, ये सब कौन करता है, ये आप कर रहे हैं, ये आपका सूक्ष्म शरीर है ठीक, जो विचार करता है, चिंतन करता है, अपने आप के बारे में भी सोचता है, सब कुछ जो ये जितनी भी एक्टिविटी है कौन कर रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर है। और एक और आपके अंदर कोई है उसके बारे में तो कभी आवाज अंदर से आई ही नहीं कि एक कोई और भी है इसके अलावा भी, कभी मान लो आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, तो आप किसी का भी उठा के पहन लोगे, उठाने जाओगे तो कोई रोकेगा ना, कौन अच्छा वो जिसका होगा वो रोकेगा, वो नहीं रोकेगा तो आप उठा लोगे नहीं ना, तो वो जो आपको सच में रोक रहा है वो कौन है, वो कौन है, कौन है भाई विवेक, विवेक तो खैर ठीक है, विवेक तो काम करता है इसी मन के लिए, आपके अंदर एक और आपकी अंतरात्मा है ठीक है जो आपको रोकती है, आपको शांति चाहिए, कुछ अच्छा करने के बाद कुछ सुकून मिलता है, कुछ आप सेवा करने जाते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है, किसी की मदद करते हैं तो एक अच्छा फील आता है, कि किसको आता है, वही इसको वैसे तो कहते हैं कारण शरीर, जो आपके अंदर की भावना, आपके इमोशन, ये आपके अंदर का आत्म तत्व वही ठीक है, ये तीन मिलकर के आप बनते हैं, जब कभी आप प्रश्न उठे कि आप कौन हो तो केवल एक जगह पर तो सोचना कि मैं शरीर हूं, या मैं केवल वही हूं जो अच्छा सोच लेता है या बुरा सोच लेता है, मैं या केवल एक ही, ये तीनों मिलकर के मैं करता हूं, समझ में आई बात, तीनों है साइंस पढ़ते तीन उसमें सेगमेंट है, कौन कौन से साइंस के तीन सेगमेंट कौन से, फिजिक्स ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक पढ़ करके जाइए तो आप साइंस में पास हो जाएंगे, तीनों पढ़ ठीक है, तीनों जाइए, ऐसा नहीं हो सकता है केमिस्ट्री पढ़ के साइंस पास हो जाएंगे या बायो पढ़ के साइंस पास हो जाएंगे, आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा तो फिर आपको उसमें नंबर मिलने वाले, वैसे ही ये तीनों को करने के बाद आप जीवन के इस एग्जाम में पास हो पाएंगे ठीक है, तो इन तीनों के लिए प्रयास करें, जब बनने की बात हो तो इन तीनों के लिए करें, कैसे करेंगे तो इसके चार स्टेप्स, सबसे पहला कि आप अपने बारे में चिंतन करिए, इसको कहते हैं आत्म समीक्षा, क्या कहते हैं आत्म समीक्षा या आत्म चिंतन भी कहते हैं कुछ लोग ठीक है, सेल्फ एनालिसिस भी लिख सकते हो, क्या है ये आत्म समीक्षा, आप लोग प्लस थ्री के हैं या प्लस टू के, प्लस थ्री के, तो अच्छा फिर इसका जॉब भी करेंगे कुछ लोग, जॉब करने के लिए भी तैयारी करेंगे, जॉब में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में पहला क्वेश्चन क्या होता है, क्या बताते हैं, क्या बताते हैं, और थोड़े दिन के बाद गूगल पे जाओगे
सर्च करोगे, अच्छे अच्छे रिज्यूमे निकालोगे, उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनके वो कॉपी करोगे, अपने वाले पे पेस्ट करोगे, याद करोगे, ताकि सुनाओगे मेरी ये स्ट्रेंथ है, मेरी ये क्वालिटी है, मेरी वीकनेसेस है, और पता लगा वो इंटरव्यू लेने वाला भी वही कॉपी करके गया। ये काम कब किया जाए? मतलब क्या है? अपनी पूर्ण हैबिट्स अच्छी करिए, आप
योगी है, वह योगी कभी बीमार नहीं पड़ता, ये उनका है। ये आपकी समझदारी पर है कि आपको अपने हाल को कैसा, ठीक है, इस पे काम कर सकते हैं। गुरुदेव ने इस पे बहुत अच्छा अच्छा लिखा है, सोचिए। दूसरा, कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम भोजन के पहले 3 बार कहते हैं, तो बोलना, ये तो आपको बोलते ही बोलते हैं, भोजन के पहले की प्रार्थना ये कर। विहार, विहार का मतलब है लाइफ स्टाइल, गुरुदेव के शब्दों में कहें तो जीवन साथ। रेस के घोड़े जानते हैं आप सब, घोड़े दौड़ते हैं, 10 घोड़ों की दौड़ होती है, एक घोड़ा फर्स्ट आएगा, एक घोड़ा लास्ट आएगा, ठीक है। फिर से कराइए रेस, आप बोलेंगे क्या हुआ, थर्ड वाला फर्स्ट आ जाएगा, फोर्थ वाला, नहीं नहीं आप बाकी नहीं, केवल 2 लोगों की रेस कराइए, 2 घोड़ों, एक जो फर्स्ट आया था और एक जो लास्ट आया था। आप बोलेंगे इसमें कौन सा है, ये तो ये 9 घोड़ों से जीता है सबसे मजबूत और ये 9 घोड़ों से हारा था, इनकी रेस तो पहले से डिसाइडेड है कि ये फिर से जीत जाने वाला। नहीं, थोड़ा सा रूल चेंज, रूल ये चेंज कर दीजिए कि जो धीरे दौड़ने वाला है, जो हार गया था उसका राइडर बैठे रहने दी, और जो जीता था उसका राइडर हटा लीजिए। अब रेस कराइए, कौन सा जीतेगा, क्यों, क्योंकि राइडर था और मजा इसलिए हारा क्योंकि वो दौड़ा तो तेज मगर रास्ते में उसको कुछ खाने को मिल गया, खाने का, फिर वो उसको लग याद आया कि मेरा एक मैसेज आया था, तो उसका मैसेज देखना शुरू किया, का मैसेज देख रहा हूँ तो जरा मैं स्टेटस भी देख रहा हूँ, फिर उसके बाद उसको लगा कि स्टेटस हो गया तो फिर वो इंस्टाग्राम पे चला गया, फिर वो रील्स पर चला जाता, फिर उसके बाद वो रील्स खत्म ही नहीं होती, तब तक वाला घोड़ा जीत जाता है, सही है।
सोच रहे थे, चलो ठीक है, या वहां घूमने गपशप करने, कुछ लोग दिन में भी सपने देख लेते हैं, उसमें खेलने में, खेलने में भी रखो, भले वो पॉजिटिव है रखना है, और कुछ हो सकते हैं, नहीं उसके लिए पूरा सेगमेंट अलग है, अभी तो इतने का ही एनालिसिस कर ले, मोबाइल का तो मैं आपको बात में बताऊंगा, और इसके अलावा कोई काम लिए। आप लोग जितने बजे उठते हैं उससे आधे घंटे 40
सांस लीजिए। रात भर आप सो रहे थे तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन गया ही नहीं, तो थोड़ी देर ब्रेन को ऑक्सीजनेट कीजिए, ये आपकी आलस को भी दूर करेगा। नहीं तो दिन भर बड़े बड़े बुखार दे होते हैं तो ब्रेन को ऑक्सीजनेट कीजिए। अब भगवान को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको धरती पर भेजा, आज का दिन दिया, आज का ये 24 घंटे का समय उस भगवान ने अपनी दुनिया में आपको रहने का अवसर दिया है। यदि उसको कोई काम नहीं होता तो वो आपको नहीं वापस जगाता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो रात में सोते हैं, उनके बाद अगली दुनिया नहीं देख पाते। अभी आपने देखा टर्की में क्या हुआ, लोग सोए तो सोते रह गए, भगवान ने पूरी दुनिया वहां की समाप्त कर दी। तो आपको यदि जगाया है इसका मतलब है कि आपको कोई काम, आप उस काम को स्मरण कीजिए और ये 24 घंटे जो दिए हैं इसका चिंतन करिए कि मैं 24 घंटे को बहुत अच्छे से उपयोग करूंगा, इसको बर्बाद नहीं होने दूंगा। अब इसके बाद अपने माता पिता को धन्यवाद दीजिए कि वो आपको पढ़ने लिखने खाने पीने के लिए पूरे पूरे 8 घंटे श्रम कर रहे हैं। उसी 8 घंटे को जिसको कि आप यहाँ पर अभी आपने जिसकी कॉपी में लिखना, वो 8 घंटे को अपने श्रम में लगा करके ताकि आपको एक अच्छा जीवन मिले, उनको धन्यवाद दीजिए। कोई एक अच्छा काम करूंगा उसका संकल्प लीजिए और उसके बाद दोनों हाथों को रब करिए, हाथों को मलिए आपस में, अपनी आंखों के ऊपर रखिए, केंद्र खोलिए बंद करिए, सीधे आंखों को कहीं और नहीं देखा जाता। गांधारी ने कहते हैं कई सालों तक आंख में पट्टी रखी और उसके बाद जब उसने अपने बेटे को देखा तो वो बद्र के जैसा हो गया था। इसलिए रात को सोने के बाद सवेरे लोग अपने हाथ देखते हैं कि वो अपने हाथ को मजबूत कर रहे होते हैं तो, और इसके पीछे ये कि आपकी आंखों को आपने ये रोज करना, और आपने दिन में जो आपने संकल्प किए सुबह रात को ऐसे ही सोने जाइए तो फिर एक बार बैठिए आप कम कर पूरे दिन का मूल्यांकन करिए। आज दिन भर आपने क्या किया वो 24 घंटे जितने तो आप क्या होता है आप रोज सवेरे आत्म समीक्षा वो करो आत्मचिंतन, और रात में आप उसके बारे में सोचो नहीं, आप सोचो रोज में आज ये बनूंगा आज ये करूंगा, अगले दिन सवेरे उठो फिर बोलो आज मैं ये बनूंगा, तो ये तो मुंगेरी लाल के सपने हो जाएंगे जब उसका एनालिसिस नहीं होगा। तो रात को एनालिसिस करिए, आज बंद करके रात में भी बैठ गए आज दिन भर में क्या किया, जो सुबह सोचा था वो किया कि नहीं किया, टाइम वेस्ट तो नहीं किया, जो मैं जो मेरे लक्ष्य जीवन का उसके लिए मैंने क्या किया, जो अभी मेरा जिस एक शॉर्ट टर्म गोल होता है जिसमें आपको कुछ बनना है उसके लिए आपने क्या किया, किसी का दिल तो नहीं दुखाया, किसी को परेशान तो नहीं किया, कोई गलत काम तो नहीं किया, किया तो उसके लिए क्षमा मांगी कि आज का दिन खत्म होने वाला, हो सकता है कल ना मिले तो आप इस बोझ को लेकर कैसे जाएंगे, उससे मुक्त हो जाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो ऐसे आपको रात को इस तरह से आपको, इसके अलावा कुछ बातें चीजों का ध्यान रखना है, सुव्यवस्था लाइफ में क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कुछ बच्चों के टेबल पे दिखाई देती है, उनके कार्यों में दिखाई देती है ना, और कुछ लोगों का किसी के कमरे में चले जाओ तो ऐसा लगता है अभी अभी चोरी हुई है होता है, और किसी के पास जाइए तो ऐसा लगता है यार कलाकार व्यक्ति कितने आर्टिस्टिक तरीके से रहता है। कई लोग कूड़े को भी बहुत बढ़िया से सजा के रखते हैं है ना, और कई लोग बहुत अच्छी चीज को भी कूड़ा बना के रखते हैं। तो इसलिए ये गुण आपके अंदर होना चाहिए। महाभारत में बहुत अच्छा प्रसंग है, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो पांडव उनके यहाँ कोई राजकुमार बन के थोड़ी गए, वो लोग का ज्ञान पास में थे, और जब अर्जुन ने निशाना लगा दिया कुश्ती पे तो एक तरफ तो खुशियां भी बनी मगर द्रौपदी के पिता और भाई को इस बात का दुख हो गया कि ये मांगने वालों से कैसे शादी करते, इनके तो परिवार का भी पता नहीं घर का पता नहीं, ये तो कौन लोग हैं और ये खाली निशाना लगाने से तो बात नहीं बनेगी। तो द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और उनके पिता द्रुपद, तो भाई ने एक योजना बनाई
महल खाली है, आज आप इसमें सो जाओ, कल आपको उसने क्या किया था, पहले से उस महल में सारा सामान बिखेर दिया, सारी चीजें बेतरतीब कर दी थी, चारों तरफ गंदगी कर दी थी, सब अस्त व्यस्त कर दिया था, और उनसे रिक्वेस्ट करी कि आज आप यहाँ सो दो, सवेरे इसको हम ठीक कराते, आज आप यहाँ रुक जाओ। जब पांडव वहां रुके और अगले दिन सवेरे रात में जब वो लेट नाइट वो लोग सो गए तो वो द्रुपद और विष्णु आए और आकर के उन्हें देखा तो पूरा वो जगह साफ सुथरी थी, सामान व्यवस्थित था, चीजें ठीक से रखी हुई थी और वो सो रहे थे। तो द्रुपद से विष्णु ने कहा कि पिताजी भले ही मानने वाले बन के आए हैं मगर है किसी अच्छे परिवार से, किसी अच्छे परिवार से है क्योंकि इनको सलीके से रहना आ रहा है। तो जीवन में सुव्यवस्था आनी चाहिए, कोई काम करो वो जो उसके श्लोक में लिखा है युक्त चेष्ट से कर्म सो, कोई भी काम करो खूब मन लगा के खूब अच्छे से करो, ठीक है। तो आप सुव्यवस्था करना, स्वावलंबन, अपने पैरों पर खड़े होना, और ये केवल नौकरी चाकरी से नहीं होता, अपनी रोज की दिनचर्या से होता। अच्छा कोई एक अच्छा मजबूत भाई आएगा मेरी मदद करने के लिए, तो थोड़ा मजबूत सा हो, कोई आ सकता है, उठ के आइए, कोई जो अपने आप को सबसे बढ़िया ताकतवर समझता हो जरा आओ, जीवित नहीं जाता क्या कोई, अरे नहीं जाना ऐसे ही आ जाओ, कोई आ जाओ, मैं इनको दीवार से चिपका देता हूँ, चिपका दू। चलो एक काम करना है आपको, ये जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसे ये पैर चिपकाना, ये घुटना चिपकाना, ये हाथ चिपकाना, ये कंधा चिपकाना, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए, ठीक है, बस खड़े हो पूरा चुपका हो, पूरा चुपका हो, सारा चुपका हो, ठीक है। अब ये हिलना नहीं चाहिए, चलिए इस पैर को ऊपर उठाओ, आगे बढ़ाओ, अभी बोल रहे थे कदम बढ़ाएंगे, आपके कदम बढ़ाएंगे, इतनी बातें करी है कदम नहीं बढ़ा पा रहे हो, क्यों जोर लगाओ, नहीं होगा, कोई संशय है, हो पाएगा नहीं होगा, है कोई इस चैलेंज को स्वीकार कर ले, कोई, अच्छा चलो इधर आ जाओ, आप आगे बढ़ा सकते हो, बिल्कुल बढ़ सकते हो, अच्छा क्यों नहीं हुआ ये तो पता ही होगा, हाँ फिजिक्स का एक छोटा सा रूल था कि आपकी जो आपकी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया, दीवार में चला गया, और इसका और दूसरा क्या हुआ कि आप पैरेलल में खड़े थे तो वेक्टर में जो फोर्स है वो क्या हो गया, ऐड हो गया, तो इनफिनिट से क्या हुआ मल्टीप्लाई हो गया, ऐड होता है तो मल्टीप्लाई होता है ना, तो फोर्स आपका इनफिनिट हो गया, ग्रेविटेशन फोर्स बॉडी का, ठीक है, इसका भी इनफिनिट था, आपकी बॉडी का जो भी ग्रेविटेशन फोर्स था वो गया इनफिनिट, अब आप आगे नहीं बढ़ पाए, तो ये तो हो गया साइंस। अब लाइफ से जुड़ा हुआ विषय यह है कि आप जब किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं तो अपने पैरों को आगे नहीं बढ़ा सकते, नहीं बात दूसरे पे आश्रय मत रखिए, बैठिए उनके लिए ताली बजाओ भाई, दूसरे पर अवलंबी नहीं होना, क्या होना स्वावलंबी, आपको आप स्वावलंबन का मतलब जब स्वरोजगार का ही आत्मनिर्भर वाली बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, ये घर से ही शुरू हो जाती है, एक ग्लास
प्रेरणा होती। बड़े बड़े काम गुरु जी इतने बड़े हुए वो अपना काम छोटा छोटा काम खुद करते थे। ये सब क्यों प्रेरणाएं दी माँ बोल? तो इसलिए कि जब आप अपना काम करते हैं तो स्वाभिमान आता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ, स्वाभिमान से स्वाभिमान। आप लोग स्कूल जाते होंगे तो कितने लोग हैं जो खुद अपना जूता पॉलिश करके जाते हैं? बहुत छोटे थे तो पेरेंट्स करके देते होंगे, बहुत छोटे रहे होंगे तो आपके मम्मी पापा आपके जूते साफ करके पहनाते, तो आप उसको धूल मिट्टी करके लाते। और जब आपने पहली पहली बार पॉलिश करना सीखा और आपने अपने जूते में पॉलिश की, उसके बाद आप गए और किसी ने गलती से भी आपने दी अपनी कमीज पेस प्रेस की है और किसी दोस्त ने हाथ रखा तो उसका हाथ उठा के पहले आप ठीक करते हैं, देखते हैं कहीं प्रेस तो नहीं बिगड़ा, क्योंकि आपने खुद से किया तो उसका स्वाभिमान आया। अपने काम को खुद करिए, ठीक है? इससे आप छोटे भी होंगे, श्रम को सम्मान दीजिए। तो बहुत अच्छा ट्रेंड चल गया है, लोग छोटा छोटा काम करके भी बड़े स्वाभिमान से कहते हैं कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अपने पैरों पर खड़े होइए, कोई काम छोटा नहीं है, श्रम को सम्मान तो सौलभ भी। तो ऐसे ही कुछ गुणों का आखिरी वाला है वो है शरीर के लिए चल रहा था नशे से दूर रहिए। आप लोग तो खैर नहीं करते ना, बिल्कुल नहीं ना, सुना भी नहीं होगा नशे के बारे, देखा है सब उनको करते हुए, देखा मित्रों को, देखा मित्रों को, यदि देख रहे हो तो ऐसे मित्रों से दूर हो जाना, ठीक है? इनको करते हुए अपने मित्रों को यदि आपने नशा देख रहे हैं तो धीरे धीरे आप उनसे उनका मतलब एक तरीके से एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। कल को वो आपके सामने बैठ के कर रहा है, उसके बाद वो कहेगा कि मेरी दोस्ती के खाते तो एक बूंद इसमें नहीं ले सकता अपने पानी में, ये तो कुछ नहीं है, ये तो ये चीज है, ये तो भगवान शंकर का प्रसाद है और ये तो ये चीज है, ऐसे करके वो आपको दे सकते हैं। इसलिए एकदम तटस्थ होकर के नशे से बच के रहना, खुद तो बचना ही, अपने मित्र को साथी को आपको लगता है कि आपका सबसे अच्छा व्यक्ति है तो आप उसको उसको बचा के रखना, नशे से जरूर बच करके रहना। तरह तरह के नशे ड्रग्स है, आपके अभी इस क्षेत्र में है क्योंकि आपके बंगाल से लगे हुए हैं, नीचे साउथ से लगे हुए हैं और बहुत तरीके से हमारे कोस्टल एरिया में भी स्मगलिंग के थ्रू ड्रग्स आता है, तो इसलिए इन क्षेत्रों में इसका कंजम्पशन भी ज्यादा होता है। और वो टारगेट करते हैं किसको? यंग बच्चों को। कहां से शुरुआत होती है? शुरुआत तो ऐसे होती है, हमने देखा है कि जहां भी बॉर्डर्स है वो किसी ना किसी माध्यम से आता है और जब आएगा तो वो क्या करते हैं कि पहले उनकी टीम होती है जो फ्रेंड सर्कल में घुसते हैं, फिर आपको बढ़िया पार्टी करने बुलाते हैं, फिर आपको जो है वो पार्टी में धीरे धीरे लोग जो है वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, अच्छा चलो ठीक है, वो बियर के नशे में चले जाते हैं, तो बियर पीने लगते हैं, धीरे धीरे शराब पीने लगते हैं। शराब के नशे में जब उसको कुछ होश नहीं होता उसको ड्रग्स दे देते, फिर धीरे धीरे ड्रग्स का आदी हो जाता। तो ऐसे और भी कई रास्ते हैं ड्रग्स पहुंचाने, तो इसमें केवल एक ही रास्ता है कि एकदम मजबूती के साथ ना कहिए, ठीक है? तो नशे से और भी विस्तार से बात होगी यदि समय मिलेगा नशे की, तो ये आपको करना। दूसरा वाला सूक्ष्म शरीर, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, केवल एक बात याद रखनी है, जो जैसा सोचता है वैसा करता है और वैसा ही। एक बार समय देख लो, भूख तो नहीं लगी? भूख लगी है? दो लोग बोल रहे नहीं, बाकी लोग उनको कह रहे हैं क्या भूख लगी है, पर बातें खत्म करने वाले लेट शुरू भी तो हुआ बस थोड़ी देर। तो एक आदमी था, उसका नाम था नसरुद्दीन, मुल्ला नसरुद्दीन के आपने सुने हैं? तो नसरुद्दीन के घर के बाहर पूछा था उस जगह का नाम क्या होता है, इसको घर के बाहर जो एक चबूतरा होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं? घर के बाहर ऐसे यदि पोटला जो बोलते हैं बरना, ठीक बरना बाहर बोलते हैं, तो आपके क्या बोलते हैं? बरना ही जैसा
कई दिन का सपना था कि भैंस पे बैठूंगा, सीट पकड़ूंगा, सवारी करूंगा, मतलब बैठा तो एक्सपीरियंस क्या होता है, क्या होता है भैंस पे बैठने का, क्या होगा? सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस आगे उसमें क्या हुआ, उसके केस में क्यों भागी? अच्छा भागी तो सीन की जगह कान पकड़ी इसको, अब बचाओ बचाओ चिल्ला रहा पूरे गांव में, अंदाव क्या की नसुंदी को दौड़ा दी। तो क्या हुआ कि सब लोग इकट्ठे हुए कि यार इसको गिरा देंगे, एक्टिविटी टूट जाएगी। इसमें जैसे तैसे रोका रोका तो माना क्या था, कुछ लोग वो करके देखने वाले भी आ गए। उस भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी भी था, जब उसने रोका भीड़ से उतारा उस भैंस से, उसको बेचारा थक गया था और देर से दौड़ रहा, तो उसने उससे कहा कि अरे नसरुद्दीन, एक बुजुर्ग आदमी का काम करता है, उसने डांटा उसे, नसरुद्दीन कोई काम करने से पहले सोच तो लिया कर, आपसे भी बोलते हैं कोई काम करने से पहले सोच तो लिया कर। मैं उठा उसके कपड़े धरे, हाथ रात मिया 6 महीने से सोच क्या सोच रहा था, जो जैसा सोचता है वैसे ही करता और वैसा ही थॉट जो है एक्शन में कन्वर्ट होता है, एक्शन रिपीट होता है तो आपकी हैबिट बनती है, हैबिट जो है रिपीट होती है तो और बिहेवियर आपकी पर्सनालिटी बना देता है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं तो कभी बुरा सोचता ही नहीं, मेरे दिमाग में तो कभी बुरे विचार आते ही नहीं। तो आप एक नई शर्ट लो तो बाहर रोड पे टांगा उस चौराहे के खंभे पे, एकदम नई खड़ी एकदम टांग दो, 2 दिन नहीं है ना, 2 दिन बाद लेके आओ पहन, क्या होगा पहन लोगे? क्यों गंदी है, उसको तो किसी ने नहीं पहना, अच्छा उसमें किसी ने मिट्टी भी नहीं डाली तो गंदी कैसे हो गई? वातावरण में धूल थी, मिट्टी थी, इसलिए हुई। तो बस ऐसे ही विचारों का भी 60,000 विचार हो जाते हैं, कई सारे ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं, बिना काम के हैं, वो आपको एक्शन में कन्वर्ट कर दिए तो आप नेगेटिव तरफ चले। इसलिए अपने मन को रोज तैयार करके रखना कि इसमें कुछ भी गलत ना जाए, चाहे तो क्या करो रोज रात को जैसे आप उस शर्ट को धो दोगे साफ हो जाएगा, वैसे ही रोज स्वाद आएगा। रोज कम से कम 20 मिनट कुछ अच्छा पढ़ना है, ठीक है, चाहे आप विवेकानंद को पढ़ो, कुछ गुरुदेव को पढ़ो या और भी किसी अच्छे डॉक्टर कलाम को पढ़ो, जो मोटिवेशन मिलता आपको कम से कम 20 तो पढ़ना ही है। अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर जाने चाहिए रोज, ठीक है। तो ये करना है स्वाध्याय, तो करेंगे रोज 20 मिनट का स्वाध्याय, उसी को अपनी डायरी में जैसे आज नोट कर लो, उसमें कुछ अच्छा मिले उसको लिख लो, उसको बीच बीच में पढ़ते रहो, ये काम रोज करते हैं। आप लोग कॉलेजेस में रहते हैं तो एक काम ये कर सकते हैं कि अपना ग्रुप बना करके वीक में एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ भी स्वाध्याय करो, कोई अच्छी बुक लो और उस पर डिस्कशन करो, एक अच्छा एनवायरमेंट बनेगा, इस पर भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो स्टडी सर्किल बनाओ और उस स्टडी सर्किल में कुछ अच्छा पढ़ने और अच्छा करने की प्रैक्टिस करो नियमित रूप से स्वाध्याय, ठीक है। इसके साथ तो प्राणायाम की क्रिया करते रहना चाहिए, वो भी आपके अंदर पॉजिटिविटी लाता है, ठीक है। तो मन के लिए केवल एक बात याद रखना, गीता का एक श्लोक है दूसरे अध्याय का, ये शायद 17वां श्लोक है, 6वां, उसमें आता है उत्तरे आत्मानो नात्मानो साले आत्मनो आत्मनो बंधु आत्मनो विपु आत्मनो। मनुष्य अपने उत्थान और पतन का कारण खुद है, उसका मन है, वो मन यदि पॉजिटिव रहता है तो उसका मित्र रहता है तो उसको ऊंचा उठाता है, और नेगेटिव रहता है तो उसका शत्रु बन जाता है, उसका उसार की ओर देता है। तो इसलिए हमेशा अपने मन में पॉजिटिविटी को कहां से आएगी, अच्छा पढ़ने से। और लास्ट वाला कौन सा है आपका, कौन सा शरीर बचा था आखिरी, कौन सा बचा था? अंतरात्मा, कारण शरीर। तो इसके लिए क्या है,
क्योंकि वो तो प्योर है जो आपको अच्छा करने के लिए बोल रहा, तो वो अच्छा सुनने की प्रैक्टिस है, वो रोज का ध्यान, रोज सुनने का ध्यान, रोज गायत्री मंत्र करते हैं, कितने लोग करते हैं गायत्री मंत्र का जप करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, तो रोज कम से कम जो नहीं करते हैं वो भी प्रैक्टिस में लाए, कम से कम 15 मिनट उगते हुए सूर्य का ध्यान करके आपको गायत्री मंत्र का जप करना है, मनी मंत्र, और उसके साथ में वही पॉजिटिविटी, वही अच्छी बातें आपके साथ में, वही आपको चिंतन जो कहा था पहले वो कर, ठीक है, साथ में प्रार्थना कर सकते हैं, कुछ अच्छा गा सकते हैं, कुछ अच्छा ध्यान कर सकते हैं, ये रोज करो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने तीनों लेवल पे कुछ ना कुछ एक अच्छी आदत आप ढूंढेंगे तो आप अच्छे बनेंगे। कारण शरीर को बढ़ाने का दूसरा एक अच्छा माध्यम होता है, उसका नाम है सेवा। क्या है? रोज रोज कुछ आप एक संकल्प बना के रखिए, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 घंटे का समय निकालिए। आपके जैसे मैं आपको बहुत सारे कॉलेज के बच्चे बताऊंगा जो जो स्टॉल लगाते हैं अच्छी किताबों का, उस स्टॉल से ऐसे कई बच्चे जो सुसाइड करने जा रहे थे और एक उधर की किताब हाथ में लग गई, निराशा को पास ना भटकने थे और उनका जीवन बदल गया। तो ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे जो भटक रहे होंगे, आप उनको बचा सकते हैं, आप उनको आप मेडिसिन भी बता सकते हैं, आप छोटे बच्चों को संस्कार चला चला सकते हैं, आप पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं, आप स्वच्छता के लिए काम कर सकते हैं, गांव में भी आप क्षेत्र में थोड़ा इंटीरियर में रहते हैं तो गांव के लोगों के लिए काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से हमारे युवाओं की अलग अलग टीम के माध्यम से होता है, उसमें जुड़ के कोई ना कोई सेवा का काम करते हैं, ठीक है। तो ये आप करेंगे तो आपका वो आत्मा का विस्तार भी होगा, कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा काम है जो आप लोग नहीं कर सकते हैं तो बता दीजिए, कर सकते हैं ना, तो आप लोग इनमें से ये प्रैक्टिस अपने जीवन में उतारिए। एक बात आखिरी में रखिएगा मन में, मनुष्य अपने आजकल बहुत चला कि लोग सोचते भटकते रहते हैं, कोई शॉर्टकट बताते, कोई बाबा जी मिल जाए और वो हमको आसमान में ले जाए, बुद्ध बुद्ध